नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के वर्मा। आईएएस की व्याख्यान माला के आज इस श्रृंखला में हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि छात्रों के लिए एक पहेली की तरह से होता है। पिछले प्रस्तुतिकरण में हमने आपको बताया था कि सभी प्रतियोगियों को अपने इंटेलेक्चुअल ट्रेट अर्थात बौद्धिकता को डेवलप करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज करनी होती है कि उनको अपनी एक रीडिंग लिस्ट ड्रॉ करनी होती है कि क्या पढ़ा जाए। जो हमारे विषय हैं जीएस और ऑप्शनल, उसके अलावा क्या पढ़ा जाए। सामान्य ज्ञान बहुत सारे छात्र पढ़ने लगते हैं बड़ी बड़ी मोटी किताबों से, या जो तरीका है अखबारों से या मैगजीन से पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो एक तैयारी का एक तरीका ही है जो कि हमें करना ही चाहिए। लेकिन जो तरीका हम नहीं करते हैं और जिसका खामियाजा हमको चल के आईएएस की परीक्षाओं में भुगतना पड़ता है, वो एक दूसरी चीज है। वो जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि हमारी एक पैरेलल एक तैयारी और चलती रहती है जिसका कि कोई सिलेबस नहीं होता, जिसका कि कोई उल्लेख नहीं होता कि हमें वो पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़नी है। तो हमें खुद एक अच्छी सी रीडिंग लिस्ट ड्रॉ करनी पड़ती है कि अपने बौद्धिकता को बढ़ाने के लिए हमें किन प्रकार की चीजों से अपने को रूबरू करने की आवश्यकता है, किस प्रकार के ज्ञान को, किस प्रकार के नॉलेज को एसिमिलेट करने की आवश्यकता है। इसमें कुछ चीजें जो मैं आज आपको बता रहा हूं वो एग्जॉस्टिव नहीं है, लेकिन कुछ मोटी मोटी चीजें हैं जो शायद आपको मदद कर सके अपनी रीडिंग लिस्ट को ड्रॉ करने में। और सभी छात्र, सभी परीक्षार्थी अपने ढंग से अपनी रीडिंग लिस्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। और जरूरी कि इन सारी चीजों को आप करें, लेकिन जो आपको सूट करे, जितना आपका समय हो, जितना आपका इंक्लिनेशन हो, उतना आप कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो रीडिंग लिस्ट में मानी जाती है वो मानी जाती है लिटरेचर। अर्थात आप किसी भी विषय को, यहां तक कि आप विज्ञान के भी अगर छात्र हैं तो भी आपको लिटरेचर को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। वो लिटरेचर का मतलब हो सकता है शॉर्ट स्टोरीज हो, वो नॉवेल्स हो सकती हैं, वो नॉवेल्स इंडियन हो सकती हैं, वो नॉवेल्स विदेशी भी हो सकती हैं, अन्य भाषाओं की भी हो सकती हैं। अगर आप उसका अनुदित अंश पढ़ते हैं, अनुदित उसका अनुवाद पढ़ते हैं तो भी चलेगा, लेकिन ये आपको एक्सपोज करेगा कम से कम कि देश और विदेश साहित्य में लिखा क्या जा रहा है। तो एक तो साहित्य संवेदनशीलता का आईना होता है। समाज में जो कुछ भी प्रवृत्तियां अच्छी या बुरी होती रहती हैं वो सब आपको दिखाई देता है साहित्य के माध्यम से। तो अच्छे साहित्य को पढ़ने से हम उन तमाम प्रवृत्तियों से अपने को जोड़ते हैं और आगे चल के उन्हीं सामाजिक बुराइयों और उन्हीं प्रवृत्तियों से हमें चूंकि लड़ना है एक आईएएस अधिकारी के रूप में, इसलिए बहुत सारा जो संवेदनशीलता होती है साहित्य में, उन संवेदनशीलताओं से हम अपने को जोड़ते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि कुछ ऐसी हमारी थाती, जिसको हम कहते हैं कि कुछ पुरानी चीजें होती हैं जो कि सामान्यतः कोई भी जीवन में शायद पढ़ ही नहीं पाता, लेकिन आईएएस के छात्रों को जरूर उसको अपने एजेंडा पर रखना चाहिए। जैसे कि वेद पुराण इत्यादि हैं, है ना, उपनिषद हैं। कहने को तो ये सब चीजें हमारी बहुत महत्वपूर्ण, हम कहते हैं कि बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हमसे वास्तव में पूछा जाए कि भाई उस वेद और पुराण में और उसमें उपनिषदों में है क्या, तो हो सकता है कि हमें से बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी हो कि वेद पुराण और उपनिषद में होता क्या है या किस तरह की चीजें हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप ओरिजिनल वेद और पुराण और उपनिषद पढ़ें, हो सकता है उसके लिए आपका समय का अभाव हो, लेकिन कम से कम छोटी छोटी पुस्तकें आपको किसी भी बुक स्टॉल पे मिल जाएंगी जो कि आपको वेदों के बारे में, पुराण के बारे में, उपनिषदों के बारे में बहुत सारी चीजें बताएंगी। तो कम से कम थोड़ा सा आपका एक्सपोजर, थोड़ी सी अवेयरनेस आपको जरूर उसके बारे में हो जाएगी। वो भी आपको आगे चल के बहुत काम आती है, क्योंकि जब हम लेखन करते हैं तो पता नहीं कौन सी चीज कहाँ आपके दिमाग में चस्पा हो जाए, कौन सी चीज को आप कहाँ कोट कर दें, कौन सी चीज को कहाँ आप लिख दें, जिसका कि बड़ा ही डिवेस्टेटिंग इफेक्ट होता है और बहुत ही प्रभावशाली उसका सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिलता है अपने लेखन में, लेखन की गुणवत्ता में। इसी प्रकार हमारे जो एपिक्स हैं, गीता है, रामायण है, महाभारत है, सामान्य रूप से इनको तो हम ज्यादा बेहतर शायद जानते हैं अपने जीवन में, क्योंकि हमारे घरों में ज्यादातर घरों में इसका पठन पाठन होता रहता है, लेकिन फिर भी उसके एसेंस को हमें समझना, एक पठन पाठन धार्मिक दृष्टिकोण से होना दूसरी चीज है और उसको एक
अपने जीवन शैली के लिए, अपने अप्रोच के लिए, अपने मानसिक बेहतरी के लिए है ना, और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए उन चीजों को पढ़ना और उसको एक एंगल से पढ़ना वो बहुत आवश्यक होता है। उसे भी आपको अपनी रीडिंग लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा आपने पंचतंत्र का नाम सुना होगा। पंचतंत्र में बड़ी छोटी छोटी कहानियां हैं और बड़ी ही एडुकेटिव होती हैं, और ये कुछ इस प्रकार का आपके जिसको कहना चाहिए ऑर्नामेंटल इफेक्ट लाती है राइटिंग में, कि अगर आप पंचतंत्र के चीजों को कहीं कोट करते हैं तो वो एक बहुत ही कॉस्मेटिक इफेक्ट आता है, बहुत ही एक ऑर्नामेंटल इफेक्ट आता है जो कि आपकी राइटिंग को बड़ा खूबसूरत बना देता है। आपको जानते ही है कि ज्ञान में ये सब चीजें एक उसका आवश्यक इंग्रेडिएंट है और उसकी भी आवश्यकता यदाकदा पड़ती रहती है। फिर आप जानते हैं कि भारत बहुत सारे धर्मों का देश है और विश्व के और भी बहुत सारे धर्म हैं, तो हम अपने धर्म को ही ठीक से नहीं जानते हैं, दूसरे धर्मों को तो कतई जानते ही नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई क्रिश्चियनिटी, इस्लाम या जैनिज्म, सिखिज्म या और भी बहुत सारे धर्म हैं, पारसी धर्म है या दुनिया के और धर्म है, उनके बारे में कुछ मोटी मोटी बातें बताइए, तो शायद हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमने कभी अपने को एक्सपोज ही नहीं किया। तो अगर आपको कभी मौका मिले तो उनके बारे में भी थोड़ा सा अपने को ब्रीफ करने की कोशिश करिए कि भाई दुनिया के या अपने देश के ही बहुत सारे जो धर्म ग्रंथ हैं, अगर उसको हम ओरिजिनल पढ़ सकें तो बहुत अच्छी, अगर ओरिजिनल नहीं पढ़ सके तो कोई उस पर कमेंट्री या कोई छोटी सी पुस्तक हमें पढ़ने का जरूर प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार से माइथोलॉजीज पे जो किताबें हैं, ग्रीक माइथोलॉजी है, इंडियन माइथोलॉजी है, जिसका कि हमने अभी उल्लेख किया उपनिषदों, पुराण और वेद वगैरह का, या रामायण महाभारत गीता का, या पंचतंत्र का, ये तो बहुत सारे मिथकीय चरित्र मिल जाते हैं। होता क्या है कि जब हम कोई उत्तर लिख रहे होते हैं और उस उत्तर में अगर हम किसी मिथकीय चरित्र का रेफरेंस दे देते हैं तो हमें एक शब्द में ही उस मिथकीय चरित्र का, जैसे अगर आप नारद शब्द का प्रयोग कर दें या अगर आप विभीषण शब्द का प्रयोग कर दें तो अपने आप बहुत सारी चीजें कन्वे हो जाती हैं, आपको बहुत लंबा चौड़ा राइटिंग नहीं करना पड़ता। तो चूंकि हमारे पास आईएएस में वर्ड की इकोनॉमी होती है, बहुत कम शब्दों में हमको लिखना होता है, इसलिए हमें इन मिथकी चरित्रों के माध्यम से अगर हम उसको कोई संदेश देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो ये बड़े छोटे ढंग से एक दो शब्दों में उस मिथक, उस चरित्र का नाम लेके ही हम अपनी बातों को कह सकते हैं। तो ये कुछ चीज है। इसके अलावा हमें अपने समाज में, हम देखते हैं कि हमारे समाज में अक्सर कहा जाता है कि हमारा देश जो है विविधता पूर्ण देश है और विविधता में एक एकता है, तो वो जो विविधता है वो है क्या? उसमें बहुत सारे सामाजिक समूह हैं, बहुत सारे धार्मिक समूह हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे सांस्कृतिक भी समूह हैं, और यहाँ तक कि हम कहते हैं कि भाई हमारी जो कल्चरल और सिविलाइजेशनल भी थोड़ा सा समूह है, जैसे कि आर्यन और द्रविडियन। तो अगर आपसे कोई कहे कि आर्यन और द्रविडियन में बेसिक फर्क क्या है, आपसे कोई कहे कि भाई डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में क्या फर्क है, तो हमें इन चीजों के बारे में थोड़ा सा समझ होनी चाहिए कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। और खासतौर से जो हमारे समाज के मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, दलित हैं, विमेन हैं, मुस्लिम्स हैं, ओबीसीज हैं, या इनके और भी जो वेरिएंट्स हैं, बहुत सारे कैटेगरीज हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत हमको अपने को ब्रीफ करते रहना चाहिए। इसके अलावा आप अपनी रीडिंग लिस्ट में ये भी रख सकते हैं कि इंडिया की जो आर्ट्स हैं, इंडिया के जो डांस फॉर्म्स हैं, इंडिया के जैसे भरतनाट्यम, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में क्या डिफरेंस है, या अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दो रागों में क्या डिफरेंस है, तो आप हो सकता है कि बहुत डिटेल में उसको ना समझ जा पाए, तो बहुत सारे जो डांस फॉर्म्स हैं, बहुत सारे जो आर्ट फॉर्म्स हैं, बहुत सारे जो राग फॉर्म्स हैं, बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स में, रागों में, डांस फॉर्म में और कलाकृतियों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, इसका थोड़ा सा हमें समझ जरूर होना चाहिए। कभी कभी यहाँ तक कि प्रीलिम्स में इस पर प्रश्न भी पूछ दिए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, या दर्शन है, भारतीय दर्शन है, आपको पता होना चाहिए कि भाई सांख्य दर्शन क्या है, प्रतिविज्ञा दर्शन क्या है, बौद्ध दर्शन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें जानने की कोशिश करें, बहुत बहुत संक्षेप में, जरूरी कि आप इसका बहुत विस्तार से अध्ययन करें, लेकिन संक्षेप में इन चीजों को जानने का प्रयास करें। अगर आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि बड़ी आसानी से आप इन चीजों को ग्रहण कर लेंगे, और सहज ढंग से, आपने लेजर टाइम में पढ़ी, जस्ट इन योर रिक्रिएशन, नॉट बिकॉज
कि आपको उसे एक विषय के रूप में, बोझ के रूप में पढ़ना है, बल्कि आप उसको इस तरह से पढ़िए जैसे आप उसको एंजॉय कर रहे हैं प्लेजर टाइम में। और इस प्रकार से जो छात्र अपनी रीडिंग लिस्ट को इस तरीके से स्वयं स्ट्रक्चर करेंगे कॉन्शियसली, ये नहीं ये कुछ आ गया उसको पढ़ लिया ऐसा नहीं, अगर कॉन्शियसली आप अपनी रीडिंग लिस्ट को स्ट्रक्चर करते हैं तो आप परिकल्पना नहीं कर सकते कि इसका कितना सकारात्मक परिणाम आपके पूरे व्यक्तित्व में, उस इंटेलेक्चुअल ट्रेड के फॉर्मेशन में, और प्लस आपकी जब आप राइटिंग करेंगे या आप कोई चीज कहेंगे उसमें कितनी प्रभाव उत्पादकता ये पैदा करेंगे, इसकी अभी आपको परिकल्पना नहीं हो सकती है। जब इसका आप पालन करेंगे तब आपको इसका समझ आएगी। तो मैं समझता हूँ कि हर प्रतियोगी को जो सीरियस है उसको जरूर अपनी कॉन्शियस एक रीडिंग लिस्ट की डिजाइन करनी चाहिए, और अगर आप ऐसा कर सके तो इसका एडवांटेज आपको आईएएस की परीक्षा में जरूर प्राप्त होगा। अगर आपको आज का ये प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सुझावों से हमें अवगत अवश्य कराइएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।